मदे हर आज 23 फरवरी और सुबह के कितने बजे भाई? 7:30 के से सुबह के 6:30 बजे और रात्रि को हम सुलगांव के नर्मदेश्वर आश्रम में रुके थे। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। रुको रुको, चाय पी के जाएंगे, चाय पी के जाएंगे, माता जी ने कहा। और सुल गांव से बाहर आते तो यहाँ पर ये बरगद का पेड़ है और यहाँ से हमें राइट की तरफ कच्चा मार्ग पकड़ना, खेतों का मार्ग। और यहाँ से गोगावा की दूरी 3 किलोमीटर है और पथराड की दूरी 7 किलोमीटर है। और सूर्यदेव भी प्रकट हो चुके हैं, प्रणाम कर आगे बढ़े। नर्मदे नर्मदे हर नहीं ओम सूर्यदेवाय नमः। आगे आगे हम इधर से आए खेतों के रास्ते, शॉर्ट रास्ते से, और ये रास्ता इन घरों से फर के गांव के होकर आता। ये थोड़ा लॉन्ग पड़ता और यहाँ पर ये 3 बंगले बने हुए हैं। इनके ठीक सामने से हमें गोगांव की तरफ जाना है। और पिछली परिक्रमा के जिन्होंने वीडियो देखे होगे और याद होगे तो इस रास्ते से गुजर रहा था और एक झूले पर बैठा था, दोपहर को बाल भोग किया था, वो ये रहा झूला। अद्भुत, बैठने दो, हमारा झूला है। पिछली साल बुक किया था, पिछली साल बुक किया था। और खेतों के इन रास्तों पर चलते हुए तकरीबन हम वैसे तो 3 किलोमीटर बता रहे मगर फीट ऐप में 4 किलोमीटर बता रहा, तो सुलगांव से हम गोगांव पहुंचे हैं। और ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये गोगांव है और यहाँ से ये 4 रास्ते पक्की सड़क पड़ती है, राइट की तरफ जाते तो सीधे हम सियाराम बापा के वहाँ पहुँच जाते हैं। गांव का नाम क्या सियाराम बाबा का? तेली भट्टियान। यहाँ से सीधे तेली भट्टियान पहुँच जाते मैया को पार कर, यहाँ ब्रिज बना हुआ है। और हमारा परिक्रमा पथ है सीधा रोड को क्रॉस कर आगे पथराड़ गांव। यहाँ से पथरा 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर लिखा हुआ, मतलब कि 5-4 किलोमीटर होगा। ये रास्ता सीधा तेली पट्टियां जाता है। और यहाँ खेतों में ये पगडंडियों वाले रास्ते बहुत होते हैं, कच्चे रास्ते। तो एक बात और यहाँ पर अच्छी है कि यहाँ पर देखिए जगह जगह बोर्ड लगे हुए, पीछे भी 2-3 बोर्ड थे।
और कल हमने मंडलेश्वर से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी, और शायद वीडियो के एंडिंग में बताना भूल गया था कि सुलगांव तक हम सिर्फ 8 किलोमीटर ही चले थे, और वो इसलिए कि हम निकलने ही वाले थे, हमने बैग अपना झोला उठा ही लिया था कि आश्रम में एक माताजी है, बहुत ही बुजुर्ग है, बहुत ही उम्र ज़्यादा उम्र है, और साध्वी जी है, तो उन्होंने 4 से 5 बार हमें आग्रह किया कि रुक जाइए, तो हमने फिर से अपना झोला रख दिया और वहीं रुक गए। और माताजी ने बताया कि इस बार जो मैया का जल आया, वो जो मंदिर का शिखर है वो सिर्फ दिख रहा था, इतना जल आया था आश्रम में। और सुलगांव में पाटीदारों का गांव है, और पाटीदार समाज के लोग स्वयं आकर भोजन बनाते हैं और सभी परिक्रमा वासियों को खिलाते हैं, तो बहुत अच्छा गांव है, और गांव का सेवा भाव भी बहुत ही उत्तम है। और अभी हम पथरार गांव पहुंचने वाले, वो देखिए किनारों के गांव होते हैं, क्योंकि मैया यहाँ से एक आध खेत पीछे ही बह रही है, तो ये बीहड़ आ जाते हैं, वो देखिए कैसा यहाँ का रास्ता है। और पथरार गांव से पहले, ये पथरार गांव है इस तरफ, और ये नदी आती है, इस नदी का नाम है मालन, और आगे जाके नर्मदा मैया में इसका संगम होता है। और अगर आश्रम में जाना है तो हमें लेफ्ट की तरफ जाना है, और परिक्रमा मार्ग हमारा यहाँ से राइट की तरफ है, सिरा खान यहाँ से आगे गांव आएगा। और यहाँ आश्रम में थोड़ी देर विश्राम करेंगे, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सिरा खान यहाँ से 3 किलोमीटर लिखा हुआ है। यार नर्मदे यार बोल, बोलो नर्मदे। सामने दिख रहा है वो, दूर है थोड़ा, आपको दिख जाएगा। ठीक है ठीक है, काफ़ी बड़ा गांव है पथरार, और हनुमान जी मंदिर के पीछे ही राम जी मंदिर है, बहुत ही प्राचीन। ये मंदिर है कि दूसरा है? आओ तो फिर चलो, ये तीर मैं बताऊंगा आपको। और ये क्या लगा है, 220 ये तीर स्तंभ है, स्तंभ है वो, ये स्तंभ है भाई। पहले हमारे भोले भगवान के दर्शन कर लो। ऐसा है, जय भोलेनाथ। यहाँ पर भोलेनाथ जी विराजमान है, और शिवम्भू नर्मदेश्वर है। चलिए बंद कीजिए भोलेनाथ को, खुला के छोड़ के रखा है? नहीं,
छोटा खीर भी बंद रखो। और इस तरफ राम जी है, ऐसा है। हाँ हाँ, अति सुंदर गणपति जी को। हाँ जी, गणपति जी, जय गजानन महाराज। इधर नर्मदा मैया, बहुत सुंदर। बेल बजाओ। सामने राधा कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। अब इधर राम जी है। ओहो, बहुत ही सुंदर है, श्रृंगार भी बहुत ही उत्तम किया है। देखो मुंह जोर था, देखो पूरा श्रृंगार। छोटे से नगाड़े भी है। एक दिन में लक्ष्मण क्या बात करते है, ऐसा है। हाँ, यहाँ पर माता जी है। इधर आओ, बेल नहीं बजाई, इधर बजाई, इधर आ जाते हैं। हाँ। इसी से मैं देखो हजारों कृष्ण भगवान दिखेंगे इधर और उधर, देखो। अरे वाह, लाइन लगी पड़ी है। अरे वही तो, उधर उधर से भी देखते हैं नहीं तो हजारों दिखते हैं। हाँ यार, ये एक अद्भुत है। सामने भी है, इधर भी है, दोनों तरफ काल से, इसलिए उधर भी कलाकारी है। चले फिर, बताना जरूर। और गांव भी बहुत ही सुंदर है। चले फिर हनुमान जी मंदिर वापस, देख लीजिए। चले, यहाँ पे थोड़ी छोटी साइज होगी क्या कंडो की? बड़े तो है ही, पीछे बहुत बड़े थे, ये फिर भी छोटे हैं। ये तो बिल्कुल ही छोटा है। जय श्री राम, जय श्री राम। और दोपहर के अभी 3:30 बजे और पथराड़ के हनुमान जी मंदिर में भोजन प्रसाद कर विश्राम किया और आगे बढ़ रहे हैं। सिद्धेश्वर जी आज्ञा दीजिए, नर्मदे यार।